मैं स्टार्ट करती हूँ कि डिसेबिलिटी क्या चीज़ है। इट इज़ अ डिसएडवांटेज दैट रेस्ट्रिक्ट्स द फंक्शंस और मूवमेंट्स ऑफ अ पर्सन एंड एसोसिएटेड विद बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स के जो हम फंक्शन करते हैं उनसे रिलेटेड कि उनका लिमिटेशंस क्या है, अगर हम में डिसेबिलिटी है तो हम फंक्शंस कैसे नहीं कर पा रहे हैं। तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है डिसेबिलिटी की। इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला यहाँ पर इसलिए वर्ड यूज़ किया है बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटीज़। तो सबसे पहले कवरिंग इम्पेयरमेंट्स, एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस। इम्पेयरमेंट इन बॉडी फंक्शंस और स्ट्रक्चर, बॉडी से रिलेटेड आप क्या चीज़ आप फंक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, दैट कम्स अंडर डिसेबिलिटी ऑफ बॉडी फंक्शंस। डिफ़िकल्टी इन एग्जीक्यूटिंग अ टास्क और एक्शन, आप कोई एक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी इसमें आ जाएगा। एंड प्रॉब्लम एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस, आप मूवमेंट से रिलेटेड अगर कोई रियल लाइफ में भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो भी डिसेबिलिटी में आएगा आपका। डिसेबिलिटी में भी पार्शियल और कम्प्लीट, पार्शियल का मतलब है कुछ चीज़ों में रेस्ट्रिक्शन हो जाना, और कम्प्लीट डिसेबिलिटी का मतलब है पूरी तरह से, एग्जाम्पल हाथ का या पैर का मूवमेंट या कोई भी बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाना, मतलब कम्प्लीट डिसेबिलिटी। एग्जाम्पल है इसके विजन इम्पेयरमेंट यानी कि आँखों से संबंधित, हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि कानों से अगर आप पूरी तरह से नहीं सुन पा रहे हैं, और अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो आप अच्छे से रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। यहाँ पर ये मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रही हूँ डिसेबिलिटी के, ये देखिए ये था हमारा, इसमें हमारा हमने दिखा रखा है कि आपके साइन मूवमेंट यानी साइन लैंग्वेज, आपके बॉडी से कोई प्रॉब्लम है तो हमने साइन लैंग्वेज भी इसका यूज़ किया है, ब्रेन से संबंधित है, और ये व्हील चेयर पर बैठे हैं यानी कि बैक में या फिर लेग्स में कोई ना कोई उनके प्रॉब्लम है। नेक्स्ट में आप देखिए, ये देखो मैंने सबका एक कवर किया है, आई से रिलेटेड भी है, लेग से अगर इम्पेयरमेंट है तो वो भी इसमें है। उसके बाद आता है हमारा डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस है डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर में, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो डिसऑर्डर का मतलब इट इज़ द डिसरप्शन कॉज ड्यू टू नॉर्मल फंक्शंस ऑफ अ पर्सन एंड एसोसिएटेड विद मेंटल कॉम्पिटेंसी, यानी कि अगर आपको मानसिकता से कोई चीज़, अगर ये मानसिकता से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका डिसऑर्डर में आएगा। और डिसेबिलिटी में ज़्यादातर हमारा आएगा द पर्सन इज़ नॉट एबल टू फंक्शन, यानी कि बॉडी से संबंधित, ये आप मतलब समझ रहे हैं ना थोड़ा सा डिफरेंस। चलिए इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल डिक्शनरी, इट इज़ डिसरप्शन ऑफ फंक्शंस, स्ट्रक्चर और बोथ, दोनों का हो सकता है ये, स्ट्रक्चर का भी और फंक्शन का भी, एंड रिजल्टिंग फ्रॉम जेनेटिक और एम्ब्रॉयनिक फेलियर इन डेवलपमेंट और फ्रॉम एक्सोजीनियस फैक्टर्स, यानी कि बाहरी किसी कारण के किसी कारण से अगर आपको प्रॉब्लम है तो, या फिर बाहरी मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और जेनेटिक मतलब जीन से रिलेटेड अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो डिसऑर्डर में आ सकता है। इसके एग्जांपल है ईटिंग डिसऑर्डर, कभी कभी ज़्यादा खाना या कम खाना, मैं आगे आपको दिखाऊंगी उनके एग्जांपल भी। सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि कोई ड्रग्स अल्कोहल वगैरह में उनका एडिक्शन हो जाना, और अटेंशन डिसऑर्डर यानी आजकल के बच्चों में हम देखते हैं कि वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं, इवन फॉर अ सेकेंड दे आर नॉट एबल टू कंसनट्रेट, तो वो भी आपका डिसऑर्डर में आएगा। आगे देखिए आप, ये मैंने फर्स्ट पार्टीशन किया है, इसमें आधा दिखाया है, ये ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है। अगर आप मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फैटी हो गई हूँ एंड आई हैव टू कंट्रोल माय डाइट, तो ताकि मैं ऐसे स्लिम हो जाऊँ। दूसरे में मैंने दिखाया है एवरी वन एल्स हैज़ इट टुगेदर एक्सेप्ट मी, कि सब एक साथ हैं मुझे छोड़कर, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं मानसिक आपको प्रॉब्लम है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसा क्यों हूँ। आगे इनके टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये बेसिकली मैंने तीन कवर किए हैं जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इसमें आपका आएगा अफेक्टिंग मेंटल प्रोसेसेस यानी डेफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर एज कम्पेयर टू द सेम एज ग्रुप, जैसे हम दोनों बच्चे 5 साल के हैं तो कुछ वो मेंटल चीज़ें कैच कर पाता है और दूसरा जो बच्चा सेम एज ईयर का है वो नहीं कर पाता, तो ये आ जाएगा कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ में। एग्जांपल भी है इसमें मेंटल रिटार्डेशन, ADHD, ये आगे भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी, डिसलेक्सिया,
यानी कि राइटिंग से संबंधित प्रॉब्लम, ब्रेन इंजरी, लैंग्वेज से संबंधित कुछ बच्चे हम कहते हैं स्लो लर्नर्स हैं, यानी कि जल्दी से सीख नहीं पाते हैं, तो लैंग्वेज से संबंधित हो गया अफेजिया है इसमें। सेकंड डिसेबिलिटी का जो टाइप्स है वो है इंटेलेक्चुअल और लर्निंग, यानी सीखने से संबंधित, इसमें रीडिंग राइटिंग डिफ़िकल्टी इन ग्रास्पिंग इंफॉर्मेशन कि हम कितना फास्ट या स्लो हम उसको कैच कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। एंड थर्ड वन इज़ फिज़िकल डिसेबिलिटी। फिज़िकल डिसेबिलिटी में आएगा अफेक्ट्स द मोबिलिटी एंड डिक्सट्रिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। समटाइम्स इफ़ दे आर नॉट एबल टू फंक्शन तो दे नीड असिस्टेंट, हेल्प से चलना, हेल्प से कोई काम करना तो वो इसमें आ जाएगा। एग्जाम्पल है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मूवमेंट से संबंधित, विजुअल, हियरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। पहले हमने डिसेबिलिटी से रिलेटेड टाइप्स किए थे, अब डिसऑर्डर में आएगा। मेनली मैंने 5 कवर किए हैं जो हमारे 12th के सिलेबस में है। सबसे पहले है ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब है अटेंशन की कमी, डेफिसिट यानी अटेंशन की कमी, और एक्टिविटी हाइपर। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर हम किसी बच्चे को 1-2 सेकंड के लिए खड़े होने के लिए बोलेंगे तो दे आर नॉट एबल टू स्टैंड इवन 2 सेकंड्स, कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। सेकंड है SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर रिलेटेड टू योर सेंसेस, दे आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इस रास्ते से जाना है तो इसी से जाना है, दे आर वेरी एडमेंट, दे डोंट वांट टू चेंज, यहाँ बैठ के पढ़ना है तो मुझे यहीं बैठ के पढ़ना है। देन ODD, ऑपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर, अगर हम चीज़ कुछ कहते हैं तो उसका अपोज करना, नहीं ये ऐसे है, तो हर चीज़ का अपोज करना वो इसमें आएगा। एंड 5th वन इज़ OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर कोई हाथ धोने लग जाता है तो बार बार वो दिन में हो सकता है 50 बार धोए, उसको एक कंपल्शन हो जाता है कि मुझे ये एक्टिविटी करनी ही है, तो आ जाएगा आपका इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो नाउ एक नज़र मार लेते हैं कि हमने आज क्या कवर किया, व्हाट वी हैव लर्नड। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी, फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसऑर्डर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो ये हमारे आज के टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे अगली स्लाइड में पूछ सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है, आप उसमें जान सकते हैं। थैंक यू।